काफी लोग मुझे ये कह रहे थे कुछ नया बनाओ कुछ नया बनाओ, तो आज आपके लिए मैं दोस्तों बहुत यूनिक रेसिपी लेके आया हूँ। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने 3 रस केक ले लिए, जिसे टोस्ट भी कहा जाता है, पापे भी कहा जाता है। ये 3 ले लिए मैंने छोटे साइज के, इसको मिक्सी जार में डाल दूंगा। और इसी के साथ मैंने 2.5 से 3 चम्मच मैंने चावल को आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावल का पानी निकाल के चावल भी मिक्सी जार में डाल दूंगा। और इसी के साथ इसके अंदर मैं 1 कप दूध डाल देता हूँ। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इस तरह से एक मिक्सचर बन जाएगा। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद एक बर्तन गर्म कर देंगे। बर्तन के अंदर मैं 1/2 लीटर दूध डाल देता हूँ। अब दूध को एक उबाला आने देते हैं। देखिए अच्छे से एक उबाला आ चुका है। बस अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखेंगे इसको। और उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था, सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करके अच्छे से अब कंटिन्यू चलाते हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इधर इसे पकने देते हैं। दूसरे वाले चूल्हे के ऊपर मैं एक बर्तन रख लेता हूँ और उसके अंदर 1 कटोरी में चीनी डाल रहा हूँ। हम चीनी को इसमें कैरेमलाइज करके डालेंगे। तो अच्छे से कंटिन्यू को चलाते हुए चीनी को हम अच्छे से घुलने देंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से चीनी कैरेमलाइज हो चुकी है। बस इसको ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इतना ही कलर रहना है। उसके बाद इस चीनी को हम हमारी खीर में ऐड कर देंगे। पर आप चाहे दोस्तों तो इसी पॉइंट पर डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं, पर इसका टेस्ट कुछ अलग आता है दोस्तों, एक यूनिक सा टेस्ट आता है। एक बार इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रहा हूँ, जो आपको पसंद हो जितने पसंद हो वो डाल ले। अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। देखिए इतना ही ठीक रखना है, आप जितना ठीक रखना चाहे उतना। पकाने के बाद गैस की फ्लेम बंद करके हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों पेशावरी खीर बनके तैयार है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।